अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटरैक्ट टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अल्बर्टा के अल्टा हाईवे पर ज़्याला बारी, दर्जनों गाड़ियों के शीशे टूट गए, दर्जनों लोग जख्मी। ऐनी शाहिदीन कहते हैं ज़्याला बारी बमों की तरह लग रही थी। टोरंटो जनरल अस्पताल में अमले की किल्लत का सामना, इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट मुतासर। यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क ने तस्दीक कर दी, सूरत हाल संगीन और ख़तरनाक करार दे दी गई। ओंटेरियो के लिए मौसम सरमा का अलर्ट जारी, मौसम का हाल बताने वालों ने सर्दी और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पेशनगोई के मुताबिक फरवरी में मौसमी दर्ज हरारत दोबारा लौट आएगा। अमेरिका ताइवान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, नैन्सी पेलोसी कहती हैं। अमेरिकी यकजहती पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा अहम है, वाइट हाउस ने कहा। नैन्सी पेलोसी अपनी मर्जी से ताइवान का दौरा कर रही हैं। चीन ने नायब वज़ीर ख़ारजा बोले, अमेरिकी इकदाम पर चीन खामोश नहीं रहेगा। अहमद अल-ज़वाहिरी की हलाकत, अमरीका ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अहमद अल-ज़वाहिरी की हलाकत के बाद अमरीकी अमलाक और उसके शहरियों पर हमले हो सकते हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल, जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky. ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नरम, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कनेडियन सूबे अल्बर्टा के अल्टा हाईवे पर ज़ालाबारी ने निज़ामी ज़िंदगी मफलूज कर दिया। आसमान से ओले गिरने के वाकयात के नतीजे में दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा के अल्टा हाईवे पर ज़ालाबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। आसमान से ओले गिरने के वाकयात के नतीजे में दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अल्टा के करीब तूफान में फंसे एक शहरी मार्किस का कहना था कि ज़ालाबारी बमों की तरह लग रही थी। जैसे ही ओले गिरे तमाम खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस आलम में मार्किस ने अपने घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, तहम मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। मार्किस का कहना था कि कैलगरी का मौसम खूबसूरत था और मैंने दोस्तों के साथ शाम को ड्रिटन वैली के लिए वापसी का आगाज किया। अचानक तूफान की वार्निंग मेरे फोन पर आती है। इसके बाद दियो हेकल ओले शाहराह पर गिरे, नरम बालों की तरह उछल रहे थे। जब वो बैठे सोच रहे थे कि क्या करना है, खिड़कियाँ टूटने लगी। मार्किस ने कहा ओले का तूफान तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क ने तस्दीक करते हुए कहा है कि टोरंटो जनरल अस्पताल में महकमा सेहत तलब को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इलाज के ख्वाहां हर शख्स के लिए सिस्टम पर दबाव वाज़ेह है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क ने तस्दीक करते हुए कहा है कि टोरंटो जनरल अस्पताल में महकमा सेहत तलब को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। UHN तर्जुमान रोज़ा किम ने तस्दीक की है कि टोरंटो जनरल अस्पताल क्रिटिकल केयर बेड अलर्ट के तहत है, जिससे उनकी मेडिकल, सर्जिकल, कोरोनरी और कार्डियोवास्कुलर इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट मुतासर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे 3 इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट CV ICU, CICU और MSICU अपनी कुल बिस्तर की गुंजाइश पर है, जबकि ये महदूद अफराद कुव्वत का सामना है।
उन्होंने कहा कि मुतादिद अवामिल की वजह से जिनमें जारी वबाई अमराज से पैदा होने वाले मसाइल भी शामिल हैं, हमें अमले की कमी का सामना है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। UHN तर्जुमान का मजीद कहना था कि अलर्ट के तहत अस्पताल फाल तौर पर ऐसे मरीजों की जांच कर रहा है जिनको खसूसी ICU की देखभाल की जरूरत होती है। टोरंटो जनरल अस्पताल मसरूफ तरीन अस्पतालों में से एक है। वजीर सेहत सिल्विया जॉन्स ने बताया कि वो सेहत की देखभाल के निज़ाम में स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अमले की कमी और देखभाल में रुकावट डालने वाले दीगर मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सूबे में एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर वर्कर्स का कहना है कि सूरत हाल मायूस कुन होती जा रही है। डॉक्टर राघव वेणुगोपाल एक एमरजेंसी रूम के मालिक जो ग्रेटर टोरंटो एरिया के 3 अस्पतालों में काम करते हैं ने बताया कि इलाज के ख्वाह हर शख्स के लिए सिस्टम पर दबाव वाज़े है। रजिस्टर्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ ऑन्टेरियो के सदर क्लॉडेट हॉलो ने सूरत हाल को संगीन और ख़तरनाक करार दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 16 ता 23 जनवरी कनाडा के मशरकी 2/3 इलाकों को शदीद बारिश और बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी का आखिरी निसफ काफ़ी तूफानी होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दी फार्मर्स अलमनाक ने कनाडा के लिए अपनी तौसीई मौसम सरमा की पेश गोई जारी कर दी। पेशन गोई में कहा गया है कि शुमाल मशरकी अमरीका और मशरकी सूबों में रहने वालों को एक सर्द दिसंबर और बहुत सर्द जनवरी की तवक्को करनी चाहिए। उन्होंने पेशन गोई की है कि जनवरी का आखिरी निस भी काफ़ी तूफानी होगा। 16 जनवरी से 23 जनवरी तक कनाडा के मशरकी 2/3 इलाकों को शदीद बारिश और बर्फबारी का सामना रह सकता है। पेशन गोई के मुताबिक फरवरी में मौसमी दर्जा हरारत दोबारा लौट आएगा। दी फार्मर्स अलमनाक के मुताबिक अगरचा पेशन गोयाँ 100% दुरुस्त नहीं हो सकती हैं, पुराना फार्मूला इस बात का खाका फराहम करता है कि आने वाला सीजन कैसा होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि हम स्टेटस क्वो के हामी हैं। हम नहीं चाहते कि ताइवान में ताकत के जोर पर कुछ हो, बल्कि हम चाहते हैं कि ताइवान सलामती के साथ आज़ादी हासिल करे। हम इससे पीछे नहीं हट रहे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दौरा ताइवान के दौरान कहा है कि अमरीका ताइवान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। गैर मुल्की खबर इस अदारे के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने सदारती महल में सदर साई अंगवेन से मुलाकात के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ताइवान के साथ अमरीकी अहद को तर्क नहीं करेंगे। ताइवान के साथ अपनी पायदार दोस्ती पर फख्र है। उन्होंने कहा है कि हम स्टेटस क्वो के हामी हैं। हम नहीं चाहते कि ताइवान में ताकत के जोर पर कुछ हो, बल्कि हम चाहते हैं कि ताइवान सलामती के साथ आज़ादी हासिल करे। हम इससे पीछे नहीं हट रहे। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करता है, लेकिन ताइवान के साथ अमरीकी यकजहती पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। दूसरी जानब गैर मुल्की खबर इस अदारे का कहना है कि रूस ने दावा किया है कि अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान अमरीका की खुली आज़ादी और चीन को नाराज़ करने की ख्वाहिश का मजहर है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि एमन अल जवाहरी की हलाकत के बाद अमरीका मुखालिफ जज्बात बढ़ सकते हैं, जिसके पेश नज़र दुनिया भर में मौजूद अमरीकी मोहतात रहें। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका ने एमन अल जवाहरी की हलाकत के बाद अपने शहरियों को मुमकिन खतरे से खबरदार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने अलकायदा के रहनुमा एमन अल जवाहरी की अमरीकी हमले में हलाकत के बाद अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। अमरीकी महकमा खारजा ने खदशा जाहिर किया है कि एमन अल जवाहरी की हलाकत के बाद अमरीकी इमलाक और उसके शहरियों पर हमले हो सकते हैं। महकमा खारजा ने कहा कि एमन अल जवाहरी की हलाकत के बाद अमरीका मुखालिफ जज्बात बढ़ सकते हैं, जिसके पेश नज़र दुनिया भर में मौजूद अमरीकी मोहतात रहें। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हालिया इत्तलात ये जाहिर करती हैं कि दहशतगर्द तंजीमें खत्ते समेत दुनिया भर में अमरीकी मफादात पर हमलों की मुसलसल मंसूबा बंदी कर रही हैं। महकमा खारजा का कहना है कि इस तरह के हमलों में खुदकुश धमाके, कत्ल, बम धमाके, हाईजैकिंग और अगवा की सूरत हो सकती है। लिहाजा अमरीकी शहरी गैर मुल्की सफर के दौरान इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए सूरत हाल से मुकम्मल बाखबर रहें। वाज़ह रहे कि एमन अल जवाहरी को इतवार के रोज़ काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एमन अल जवाहरी 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड था और 71 साल मिस्री डॉक्टर ने अलकायदा की सरबराही उसामा बिन लादन की हलाकत के बाद संभाली।
टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।